आई मेकअप ही पहले पहले करेंगे। अच्छा हाँ। तो अच्छा अब क्या है कि हमने ये ब्रश उठाया अपना, हाँ ये वाला ब्रश एंड डार्क ब्राउन शेडो किसी के पास नहीं होगा ये वाला ब्रश। नहीं नहीं नॉर्मल ब्रश है ये सबके पास होगा। ये ब्रश है अब मैक की ब्रशेस पुराने हो गए हाँ, इतनी हाँ, और ब्रांड हाँ, आ गई हैं। हाँ ये मैक का नहीं ये लोकल है हाँ, ये लोकल है। अच्छा। तो मैंने ये डार्क ब्राउन आई शेडो लिया डार्क ब्राउन मैट फिनिश। अच्छा मेक श्योर करें सॉकेट लाइन कहते हैं इसको, इसको डेप्थ कहते हैं, इसको क्रीज कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है सॉकेट लाइन पे हमने सीधे ब्रश के साथ, आज मैंने सोच के आया था मैं कुछ सिखाऊंगा नहीं और बातें करूंगा और फिर बस ये करूंगा, लेकिन पता है मैं ऐसा करने ही लेकिन क्या बोलते हैं मैं ब्रश के एंगल आपको बता रहा हूँ, आपने सिर्फ ये करके आपने ब्रश को रखना है और आंख खोले आंखों सामने देखें और नीचे देखें हल्का सा, आपने एक सॉलिड लाइन क्रिएट करनी लाइक दिस डार्क रंग की और उस लाइन को आपने ब्लेंड करना लाइक दिस डी शेप में ऊपर की जाने। अच्छा एक सेकेंड ये इसकी आंख है, अब एक मिनट के लिए तुम उठो तुम आओ, मैं एक मिनट के लिए पूछना चाह रही हूँ आंखों में फर्क होता है सबकी आंख पे ये चीज नहीं जाएगी, अब इसकी आंख पे मुझे पे एक दफा करके बता दो छुटा लेगी फिर क्लोज करें। हाँ इनकी आंख पे भी हम वही ब्राउन कलर करके दिखाओ, वही ब्राउन कलर है और हल्का सा आंख खोलो और नीचे देखो, नीचे देखो ये हल्की सी डेप दिख रही है तो आपने इस तरीके से बस ये हड्डी पकड़नी है आपने, आपकी हड्डी किसी भी तरह की हो ये किसी की बदामी होगी किसी की ज्यादा किसी की इकरार होगी। सी इस तरीके से करते हैं तो क्या होता है जिनकी पफी आईज होती हैं तो अगर आप ये लाइन क्रिएट करते हैं तो आंखों में हमारी मॉडल की पफी आईज हैं नहीं किसी की नहीं है नहीं है नहीं है। सो क्या होता है एज यू कैन सी हमने रिदा की एक जो लाइन क्रिएट की इससे क्या होता है एक डेप्थ मिल जाती है, तो अभी जैसे ये सूजी भी आंखें थोड़ी सी फूली हुई ये वाली तो इससे कॉन्टोर हो जाती है आंख दब जाती है ठीक है। तो दूसरी आंख के ऊपर भी हम इसी तरीके से सॉकेट लाइन क्रिएट करेंगे ठीक है। सूखे ब्रश के साथ मैंने इसको गीला नहीं किया कुछ नहीं किया गीला अच्छा गीला करेंगे हाँ। अच्छा बहुत सारे लोगों से गीले जो हम गीला करके लगाते हैं तो वो जम जाते हैं और वो जम जाते हैं तो वो ब्लेंड नहीं हो रहा होता है तो सूखे के साथ करेंगे तो वो इजीली ब्लेंड हो जाता है कलर फैल जाता है सही है। दूसरी आंख पे भी हम इसी तरीके से आप देखें ब्लेंडिंग कैसे कर रहे सॉफ्टली हल्के हाथ से और ये अगर लगता है कि लाइन जम रही है तो मैं ये नोट कर रही हूँ आईब्रो के बाहर नहीं लेके जा रहे हो आपने अंदर है ना? अंदर आईब्रो के अंदर है ये आपका टारगेट है। हर चीज की आउटलाइंस होती हैं जब हम कलरिंग कर रहे होते हैं पेपर पे तो आउटलाइन के बाहर नहीं जैसे कलर जाता है वैसे ही ठीक है। तो दोनों आंखें हमने इस तरीके से कर ली। अब उसके बाद क्या करना है आपने लाइनर का ब्रश लिया लाइनर को आपने गीला किया। अच्छा मेक श्योर करें कि पानी थोड़ा सा कम होगा प्रोडक्ट ज्यादा लेंगे इस तरीके से करके और हाथ के ऊपर आपने इस तरीके से आपने किया। और अच्छा गुड न्यूज ये भी है कि हम गोइंग फैसलाबाद 15 अक्टूबर को, जितने भी लोग मेकअप सीखना चाहते हैं तो वो फैसलाबाद वाली क्लास जरूर ज्वाइन करें 15 अक्टूबर को। सो आपने ये लाइनर लिया है और फैसलाबाद के करीब करीब जितने शहर हैं ये देखें आपने लाइनर को इस तरीके से लिया। उसके बाद क्या किया आपने पतले ब्रश के साथ आपने सिर्फ आईलैश के कॉर्नर पे लाइक इस तरीके से किया और लाइनर को आपने इस तरीके से बाहर निकाल लिया नीचे देखिए और उस लाइनर को आपने ये कंप्लीट किया ऐसे और इस तरीके से किया सी ठीक है सही ठीक है। और उसके बाद आंख खोले आपने शेप देना है उसको आंख को लाइक दिस ठीक है। अब क्या करना है आपको आपने ब्रश उठाया सिंपल आपने ये ब्रश उठाया ठीक है ये राउंड ब्रश ये वाला ब्रश ओके ये ब्रश उठाया आपने और आपने उस लाइनर को इस तरीके से उस कॉर्नर पे ही ब्लेंडिंग हल्के क्योंकि जब लाइनर गीला होता है तो उसको आप आराम से ब्लेंड कर सकते हैं लाइक दिस सही सी उसी जगह पे आप हल्का 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 ब्लेंड करते हैं अगेन दोबारा जिससे आपने सॉकेट लाइन बनाई थी उससे आप दोबारा से इसको और फैला दें ताकि वो जमावा ना लगे लाइक दिस सही ठीक है देख रहे सॉफ्टली। अच्छा अगर आप जमा के करेंगे ब्रश को तो आपका पैच बन जाएगा तो मेक श्योर करें कि आपका जो ब्रश है वो हवा पे चले और सॉफ्टली स्मूथली ब्लेंडिंग हो जाए जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें कोई जमी हुई लाइन नहीं दिख रही है ये देखिए ब्लेंड कर लिया हम लोग तो अपनी आंखों पे जो रैशेस कर लेते हैं इतना किस किस के
सो ये हो गया। अच्छा उसके बाद क्या करना है, आपने पानी को गीला किया हाथ से, हाथ को गीला किया और आपने हल्का से गोल्डन आई शेडो, अच्छा मैं ब्रश के साथ भी ले सकता हूँ ये गोल्डन आई शेडो, अच्छा गोल्डन के भी अलग अलग शेड होते हैं ठीक है, ये वाला मैंने गोल्डन लिया ब्राइट गोल्ड, उंगली गीली की और आपने इस तरीके से पानी को गीला किया, ये बनी रखी, ये मैंने गोल्डन आई शेडो लिया और मैंने ये लिट पे नीचे देखोगे ना इस तरीके से करके लिट पे लगा दे लाइक दिस। अच्छा अब आप बिल्कुल जो शुरू किया है जैसे आग शुरू हुई है उस पे आप वहां से शुरू कर, वहां से शुरू कर रहे और इसको हमने हल्का सा इस तरीके से ब्लेंड कर लिया ठीक है, ठीक है ये ब्लेंड कर लिया और हमने फिर दोबारा से सॉकेट लाइन को इस तरीके से हमने फिर ब्लेंड किया एक ताकि वो एक लाइन जो आ रही है वो खत्म हो जाए। अब हमने क्या करना है, दोबारा से लाइनर उठाया और लाइनर को मैंने इस तरीके से दोबारा से ये किया और उस लाइनर को मैंने इस तरीके से अब एक और फिनेश लाइन दे दी कंप्लीट कर दिया। मैं तो कहती हूँ जिसको मेकअप नहीं भी आता वो भी सीख सकता है ये मेकअप, मर्द भी सीख जाएंगे, हमारे कैमरामैन भी मुझे लगता है अभी मेकमार की मेकअप करते होंगे जाके देख लो कभी आगे। ये देखिए हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई ठीक है, सही है ये हो गया और हल्का सा मैं नीचे इसलिए इस तरीके से करके लगाऊंगा ताकि आँख हमारी डार्क लगे। उसके बाद क्या करना है, आपने आईब्रो का ब्रश उठाया, आईब्रो का मैंने ब्रश लिया और इसको गीला किया, अच्छा आईब्रो का जो कलर है वो गीला करके लगाएंगे, मैंने डार्क ब्राउन शेडो लिया मैट फिनिश ये वाला डार्क ब्राउन और हल्का सा मैंने ये किया और मैंने इस तरीके से लगाया और आँख के नीचे हल्का सा शेड दूंगा ब्राउन का ही ताकि आँख थोड़ी सी एनहेंस हो जाएगी ये। और इसको भी मैंने सूखा लगाया फैला के लगाया लाइक दिस ताकि स्मोकी डस्टी स्मोकी हो जाए डार्क ब्राउन के साथ ये ग्लैमरस मेकअप बना दिया ना मतलब। सो ये हो गया उसके बाद ये किया और हल्का सा यही मैंने हाइलाइटर उठाया, आप दोनों आंखों में फर्क देख लें कि लाइक उस पे शेड वेड लग के ओए सी। सो हमारी एक आंख कंप्लीट है एंड अगर आपको लगता है कि आपको आपको थोड़ा सा और लंबा करना है लगा फिर दूसरी आंख ओके और आपको आपको लंबा करना है तो आपने इस तरीके से मेकअप करने के बाद जब पूरा मेकअप हो जाए एंड देन आपने मुझे आपको लगता है कि थोड़ी सी और आंख बड़ी हो सकती है या आप कर सकते हैं तो आपने दोबारा से लाइनर का ब्रश लिया और सिर्फ आपको आपने इस तरीके से शीशे में देखना है, शीशे में देख के कर रहे होते हैं सो आपने किस तरीके से इसको शेप करके लंबा कर देना है इस तरीके से हल्का सा ये हल्के हाथ से सी तो आपकी आंख का शेप चेंज हो जाएगा, आपकी आंख लंबी लगने लगी और अगर इसी में आप लैश भी गोल्डन है लैश के बगैर ही इतना प्यारा लग रहा है जस्ट इमेजिन। तो हम कुछ मेकअप आर्टिस्ट ऐसे जो बड़ी मशहूर हैं बड़े अच्छे मेकअप करी होती हैं बगर मैं कहती हूँ उनका आई मेकअप कुछ नहीं होता लैश वैश लगाने के बाद उनकी आंखों की शेप ओके हमने ये लैश लगा रहे हैं, हमने लैश के एंड का ये कॉर्नर काट लिया। क्यों एंड का क्यों काटा, क्योंकि बहुत बड़ी लैश होती है तो फिर आंख आपकी बंद लगने लगती है, आंख गिरी भी लगती है तो आंख की खूबसूरती है कि आंख आपकी खुली भी हो, वरना आप जब लैश खरीदते हैं आपको इतना दिल धक धक कर रहा होता है काट रहे हैं इसे। अच्छा बड़े जो थिक आई लैशेज लगाने का जो सही तरीका है, आप लैश लगाने से पहले सबसे पहले मस्कारा करें, अच्छा मस्कारा कर लें इस तरीके से करके मस्कारा कर लिया क्योंकि जब 3D आईलैशेस होती हैं तो अगर आप उसके ऊपर बाद में मस्कारा लगाते हैं तो कुछ बाल चिपक जाते हैं कुछ खुले रह जाते हैं तो इसकी वजह से आंखें खराब लगती हैं इधर उधर हुई भी लगती है। सो मैंने क्या किया लैश को आखिर में से काट लिया और लैश गम आपने हल्का सा हाथ पे लिया इस तरीके से करके और हल्का सा मैंने यूं लिया हल्का सा मैंने इधर लगाया पूरे उस पे पट्टी पे ठीक है और फूंके नहीं मारनी ठीक है। बहुत सारे लोग फूंक मारने लगते हैं तो फूंक नहीं मारनी आपको, दो मिनट आधा मिनट लगेगा आपको हल्का सा किया और आंख खोले और नीचे देखें और सिर्फ आपको आपकी आंख के ऊपर इस तरीके से करके रखना है ये, कोई उठाने की जरूरत नहीं है सिंपल आपने लैश के साथ यू रखा इस तरीके से करके और सामने रखे देखे और आपकी लैश बड़े लैश जो है आपके लग गए सी। अब आप खुद आपके सामने लाइव आप देख रहे हैं एक आंख का ये देख रहे हैं और ये देख रहे हैं क्या ग्लैमर आ रहा है उस आंख में ग्लैमरस मेकअप हुआ है जबरदस्त। यस तो क्या है कि आपने देखा लैश लगा बहुत सारे जब लोग लैश लगाते हैं
तो वो गीला होता है जिसकी वजह से वो लैश नीचे गम नीचे आ जाता है और आंख चिपक जाती है। तो मेक श्योर करें कम लगाएं, और जब वो सूखने वाला हो तो आप लैश को यूं करके रखें और सिंपल आपने इस तरीके से करके चिपका देनी है। ठीक है, अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं। जो दूसरा मेकअप होगा वो इससे मुख्तलिफ होगा, दूसरा मेकअप हाँ थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। ठीक है, तो ये मेकअप आपने सीखा, इंशाल्लाह आपको हम दूसरा मेकअप सिखाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मजा आएगा, गोल्डन कलर है आज का थीम, कपड़े, मेकअप, हाइलाइटर, यहाँ तक के लिपस्टिक के ऊपर भी हम गोल्डन कलर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, सही है, ओके। अपनी एयरवाइव फिल्म की हम कितनी प्रमोशन कर रहे हैं। नहीं भैया, क्या हमारी फिल्में बहुत अच्छी है, जबरदस्त अपनी फिल्में, हमारी फिल्में बहुत अच्छी, जाएं और देखें, जाएं सारी फिल्में देखें बिल्कुल। अच्छा ओके, तो क्या है, अच्छा आई मेकअप इनका हो गया है, मैंने लिप कलर भी लगा दिया है।